नस्तु हुसैन दीपदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, पहले भी मैं इस इदारे में हाजिर हुआ था, तो इस इदारे में बच्चियाँ ज़ेर तालीम है, लेकिन इमारत जो है वो आप देख रहे हैं सस्ता है उसकी, इस इमारत को भी आप देख रहे हैं कि गिराया जा रहा है। ज़मीन इनकी अपनी है, लेकिन इस पर मदरसा इस्लामिया जो है उसको तामीर करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि गरीब लोग हैं जी, इस वक्त जो मोहतरमा वो इस वक्त मेरे साथ हैं, तो इस इदारे की तामीर के लिए आप हजरात से मैं तआवुन की अपील कर रहा हूँ। तो ये तखमीना आ जाएगा कि इस मदरसे पर कितना खर्चा होगा। ये पसमानदा इलाका है, तो ये बेचारे इनके पास फकीर नहीं है, ये भी छतें गिरा रहे हैं, या देख रहे दरारें पड़ चुकी है, ये खस्ता पुरानी बिल्डिंग है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर मदरसा कायम हो जाएगा तो यहाँ बच्चियाँ पुराने पाक हिफ्ज करेंगी, आलमा कोर्सेज करेंगी, तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलता रहेगा। तो ये है वो जगह जहाँ पर अपना सरमाया खर्च कर सकते हैं। गरीब नादार और यतीम बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, और इसको चलाने वाली वो जो हमारी बहन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ा भी हैं, कारिया भी हैं, आलमा भी है, तो प्रॉपर जो है इनकी सरपरस्ती होगी और बच्चों की तालीम। और ये आप देख रहे हैं कि ये साथ मस्जिद भी है, और इसकी अभी आप मेराब आप देख सकते हैं, मेराब का क्या हाल है, और अंदर मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं, ये आप ये भी देख रहे हैं खस्ता है। तो साथ इस मस्जिद को भी हम तामीर कर सकते हैं, ताकि जो है ये सिलसिला दीन का चलता है। तो ये मदरसा इस्लामिया है, ये पीर गनी रोड पाक पतन में ये मदरसा कायम है, तो आप हजरात की तामीर की ज़रूरत। कोई एक मेरा भाई या एक बहन जो है, ये काफ़ी 5-6 लाख का खर्चा होगा, तो जितनी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, तो ये 5,000 पाउंड में इंशाल्लाह ताला ये मदरसा जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। आप हजरात तआवुन करेंगे, सदका जारिया है, वो बच्चियाँ जो है वो यहाँ पर तालीम हासिल करेंगी। तो मैं जो मदरसा की मुहतमा है उनसे गुजारिश करूँगा कि इसका थोड़ा सा तारुफ करा दे, कितनी बच्चियाँ कब से कायम हुआ। मदरसा कायम हुए तकरीबन 6-7 साल का सा हो गई है, और इसमें तकरीबन 150 तादाद है, और उनके लिए कोई खाने का इंतजाम नहीं है, तो आप लोगों की तआवुन की जरूरत है। इब्तदाई तौर पर ये मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं इब्तदाई तौर पर इन्हें कुछ रकम दे रहा हूँ ताकि ये मदरसे को गिरा सकें, फिर बुनियादें होंगी। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस मदरसा के लिए आप तआवुन कीजिए, ताकि इस हमारी बहन को जो कि आलमा भी है और दीन की खिदमत कर रही है, इनके साथ तआवुन किया जाए। बच्चियाँ यहाँ 150 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो लंगर हुसैनी भी हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला इनको रोज़ाना का जो लंगर है वो भी पेश करेंगे, और बकिया जो है ये इब्तदाई जो मेरे पास कुछ है मैं पेश करता हूँ, मजीद जो है वो तआवुन। बरस है मेरे दा।